आज मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, और खासकर ये हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में पिछले कुछ सालों से जुटे हुए हैं, उनको ध्यान में रखकर के ही हम ये बात करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अपने एकेडमिक तैयारी में जुटे हुए हैं, उनसे संबंधित भी ये महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्तों और मेरे सभी छात्रों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक संकट के दौर से सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व गुजर रहा है, और आप सभी लोग किसी न किसी रूप में ये जो समस्या है, इसको आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो उससे होने वाली जो विकट परिस्थितियां हैं, उसका सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस परिस्थिति में जब सारे स्कूल बंद हैं, सारे कॉलेज बंद हैं, जो कोचिंग संस्थान हैं वो भी बंद हैं, और साथ ही साथ जो हमारे स्पोर्ट्स के बहुत सारे जो उपक्रम हैं, जहाँ पर हम खेल सकते थे, दौड़ भाग सकते थे, वो सब भी बंद हैं। अब इन परिस्थितियों में छात्र क्या करें, स्टूडेंट क्या करें, उनके सामने एक विकट परिस्थिति आ गई है। और ये जो समस्या है, जिसमें हमें अपने आप को प्रतिस्पर्धा में भी बनाए रखना है, हमारी अपनी मानसिक क्षमता को भी मेंटेन रखना है, हमें अपने दिमाग को कूल भी रखना है, और साथ ही साथ धैर्य रख करके इन परिस्थितियों का सामना करना है। यानी कि ये हमारा यहाँ पर उद्देश्य है, पर्पस है, कि हम अपने आप को इस मैदान में, इस ये जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में, खासकर कोरोना के खिलाफ उस लड़ाई में, हम अपने आप को कैसे अपने आप को मजबूत बनाए रखें। जैसे कि आप लोगों के सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि 15 मार्च के आसपास ये समस्या शुरू हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे बात इस विषय पे करने जा रहा हूँ कि एक लंबा गैप, खासकर विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उत्पन्न हो गया है, और आगे भी हो सकता है कि ये थोड़ा और बढ़ जाए। तो इस समय का हम उपयोग कैसे करें, इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं। पृष्ठभूमि में जाते हैं तो देखिए, अभी जो परिस्थितियां हैं, इसकी शुरुआत 15 मार्च के आसपास शुरू हो गई थी, जब सारे स्कूल कॉलेज जो है बंद करने के आदेश देने शुरू हो गए थे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर। फिर 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने अपील की थी, जो पब्लिक कर्फ्यू के नाम से, और उसके बाद तो 25 मार्च से लगभग जो है ये जो शुरू हुआ लॉकडाउन की प्रक्रिया, वो वर्तमान में कई राज्यों में अभी भी चल रहा है, और कुछ राज्यों में अगर थोड़ी छूट भी दी गई है तो वहां भी अभी स्कूल कॉलेजेज या कोचिंग संस्थान उस रूप में नहीं चल पा रहे हैं जैसा इस समस्या के आने से पहले शुरू हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 3-4 महीनों में हमारे छात्रों के सामने एक ये समस्या खड़ी हुई है कि हमारा एग्जाम कब होगा। जैसे मान लीजिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी जो एग्जाम मई के लास्ट में होना था या जून की शुरुआत में होना था, वो अक्टूबर में चला गया, यानी कि वो पीरियड भी आगे बढ़ गया। जो स्टेट पीएससी है, जैसे मान लो आप मध्य प्रदेश पीएससी देते हैं, बिहार पीएससी देते हैं, राजस्थान पीएससी देते हैं, उस संदर्भ में देखेंगे तो आपको यही नहीं पता कि एग्जाम कब होने वाला है। अगर किसी ने प्रारंभिक परीक्षा, जैसे मध्य प्रदेश के छात्रों ने जनवरी में प्रारंभिक परीक्षा में अपियर हुए, उसका परिणाम नहीं आ पाया, और अभी जो है निकट भविष्य में सरकार ये बताने में अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि हम आगे मुख्य परीक्षा कब आयोजित कर पाएंगे, तो विकट समस्या जो है छात्रों के सामने आ रही है। फिर जो इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं, जैसे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या जी की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने भी समस्या है। जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या अपने ग्रेजुएशन के छात्र हैं, उनके सामने भी समस्या है। तो छात्रों का जो दिमाग है, जो उनका जो मुख्य जो समय है, उनके पास बहुत सारा उत्साह है, वो अभी तक जिस तरह से जिंदगी जी रहे थे, वो कॉलेजेस जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, परीक्षाएं दे रहे थे, परीक्षा के माध्यम से कुछ लोग जो है अधिकारी बन रहे थे, कुछ अपने मन मुताबिक जो है संस्थानों में एडमिशन ले रहे थे, ये सब चीजें एक सामान्य प्रक्रिया से चली आ रही थी।
लेकिन इन प्रक्रियाओं के रुकने से, और रुकने का कारण क्या है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो है हमारे लिए ये जरूरी हो गया कि हम अपने आप को घरों में सेफ रखें, बाहर न जाएं या संक्रमण के शिकार ना हो, क्योंकि 5 लाख के आसपास लोग अभी तक संक्रमण के शिकार हो चुके, मान लीजिए अभी के पीरियड की बात करें तो। और बहुत सारे लोग हमारे देश में, वैसे मोर्टेलिटी कम है इस मामले में, लेकिन फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और खासकर जो छात्र हमारे भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, और उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको संक्रमण से बचाए रखना और भविष्य के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो देश का जो भार है, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे जिस भी फील्ड का आप देखेंगे, वो युवा हमारे लिए भविष्य, यानी देश के भविष्य हैं। तो ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनको एक सही दिशा दे सकें, जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अच्छे थॉट्स हैं या अच्छे विचार हैं हम उन तक पहुंचा सकें, और इसी दिशा में हमारी ये एक कोशिश भी है। जैसे इस पीरियड में जब एक लंबा गैप हो गया है, इस पीरियड में आपको परीक्षा के बारे में अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो गई है और ये महसूस हो रहा है कि ये एग्जाम कब होगा, तो कई बार मन में एक उचाट आ जाता है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें, परीक्षा कब होगा, और इसके कारण कई बार मन में विषाद की स्थिति, गुस्सा, झुंझलाहट, ये सब चीजें पैदा होने लग जाती है। क्योंकि अगर आप सरकार की तरफ देखेंगे, गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे, तो सरकार भी संघर्ष में जुटी हुई है कि लोगों को कोरोना वायरस से बचा सके। तो सरकार के का जो मुख्य मकसद है वो बदल गया है, अभी न तो वो एम्प्लॉयमेंट पर पूरी तरह से ध्यान दे पा रहे हैं, और न ही ये जो नियमित जो परीक्षाएं होती थी उनको वो सही ढंग से कर पा रहे हैं। तो इन सब कारणों से ये जो एक झुंझलाहट हमारे मन में आता है, ये एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इससे हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि ये गुस्सा, ये विषाद, ये तनाव, ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, हमारे शारीरिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर भी इनका असर पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, हमें मदर फादर का गाइडेंस हमें मिल रहा है कि भाई आप ऐसा करिए, हमें जो है अभी जो चूंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो हम स्कूल कॉलेज में जो हमारे दोस्त मित्र होते थे उनके साथ संपर्क में आते थे, वो बंद है। जो इंस्टीट्यूशंस थे, कोचिंग संस्थान थे, वहां आप जाकर के तैयारी करते थे, वहां भी आपको टीचर का गाइडेंस मिलता था, वो भी अभी फिलहाल जो है आपका एक लंबा गैप हो गया है। जो परीक्षाएं रेगुलर होती थी, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलता था कि भाई ये प्रीलिम्स हो गया, अब हमें मेंस की तैयारी करना है, मेंस हो गया, अब इंटरव्यू की तैयारी करना है, वो रेगुलरिटी भी हमारे सामने ब्रेक हो गई है। तो ऐसे समय में ये जो परिस्थिति है, दिमाग में ये सब बातें आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बहुत से हमारे बहादुर दोस्त हैं, हमारे बहादुर छात्र हैं, जो इन सब बातों को समझ रहे हैं। ये जो समय है, संकट का दौर है, ये 100-150 सालों में एक आध बार आता है। अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो इससे पहले 1910 से 1920 के आसपास जो है कुछ इसी तरह की समस्या आई थी, और उस समय भी इसी तरह से एक लंबा गैप जो है उस समय की व्यवस्था में, लेकिन वो 1910 की परिस्थितियां थी। वर्तमान परिस्थिति और उन परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। आज के हमारे युवा, आज के हमारे की गतिशीलता, जो सामाजिक सोशल मोबिलिटी है, काम करने का तरीका, ये सब बहुत बदल चुका है, हमारी जीवन शैली बदल चुकी है, हमारी जरूरतें बदल चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत जल्दी जो है मस्तिष्क पर और हमारे जो शारीरिक क्षमता है उस पर इसका असर होता है। तो खासकर ये जो वक्त चल रहा है, इसमें छात्रों को धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस। धैर्य रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वक्त बदलेगा, इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड वेरी सून, और अगर हमने धैर्य खो दिया तो वो जो बेहतर समय आने वाला है उसका फायदा हम नहीं उठा पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये समय हमेशा रहने वाला नहीं है, ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना रहेगा, लेकिन ये बदलेगा। तो हमारे जो जीवन काल है, जो इतना लंबा है, उसमें अगर हमने 5-6 महीने धैर्य से हम रहे, हमारे मस्तिष्क पर हमने नियंत्रण रखा, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल रखा, अपने डिप्रेशन को कंट्रोल रखा, और अपने आप को मोटिवेटेड रखा,
हम इस संकट को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे क्योंकि ये वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा। तो सबसे बेसिक चीज ये है कि धैर्य रखिए, ये जो बुरा वक्त है ये निश्चित रूप से खत्म होने वाला है, भरोसा रखिए। इसके अलावा आप ये भी सोचिए कि ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पर पूरे विश्व जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। अमेरिका भी जूझ रहा है, इंग्लैंड भी जूझ रहा है, फ्रांस भी जूझ रहा है ना, और भारत भी जूझ रहा है। हम लोग भारत से संबंधित है इसलिए भारत में इसकी बात कर रहे हैं। तो पूरा विश्व इन बातों से जूझ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये करना पड़ेगा कि अपने दिमाग को सकारात्मक रखना है, और सकारात्मक रखने के लिए उन विषयों पर जाना पड़ेगा जो हमारे लिए रुचिकर है। हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं? अगर हम प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कंपटीशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ये जो समय मिला है इसे अपॉर्चुनिटी समझिए, इसे एक अवसर समझिए। ये मान के चलिए कि ये जो अवसर मिला है, ये जो 3-4-5-6 महीने का टाइम आपको मिला है, उस समय में आप अपनी कमजोरियों को कितना दूर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, हो सकता है किसी का, किसी की मैथ्स में कमजोरी हो, किसी की रीजनिंग में हो, किसी का हिस्ट्री कमजोर हो, किसी का ज्योग्राफी कमजोर हो, या किसी को जो है कोई अन्य विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट में कमजोरी हो। तो जो भी विषय आपको लगे कि ये विषय हमारी कमजोरी है, आप उस विषय पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आपका समय आसानी से निकलने लग जाएगा। ठीक है, अभी आप खेल नहीं पा रहे बाहर जाके, कोई बात नहीं। अभी आप जो है अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मिल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जीवन सुरक्षित है। ये जो सारा चीज हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? जीवन के लिए, लाइफ के लिए। तो लाइफ का सुरक्षित होना प्रथम प्रायोरिटी है। ये जो सरकारें जितना भी ये सब प्रयास कर रही है, चाहे वो अमेरिका की सरकार कर रही हो या फ्रांस की सरकार कर रही हो या किसी भी दूसरे देश की सरकारें, आखिर लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए तो कर रही है। तो हमें भी अपने जीवन को प्रायोरिटी पे रखना है और उसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर हमारा जीवन सुरक्षित है तो हमें मौका फिर मिलने वाला है, और मौका सही समय पर और सही तरीके से आप हासिल कर सकें, इसके लिए तैयारी का ये वक्त आपको ईश्वर ने दिया है। इस समय का उपयोग करिए। समय का उपयोग ऐसे करिए कि जो क्षेत्र आपका कमजोर लगता है उसमें जाइए, जो क्षेत्र आपको रुचिकर लगता है, अगर आपको उपन्यास पढ़ने का शौक है आप वो कर सकते हैं, अगर आपको कोई इंडोर, अगर आप कोई खेल खेलते हैं तो इंडोर खेल खेल करके थोड़ा बहुत समय आप उसमें अपना लगा सकते हैं। और ये परिस्थितियां पूरे देश में एक समान रूप से नहीं है, कुछ राज्य हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ये जो समस्या है कोरोना वायरस की, वहां पर थोड़ी कम भी है, लेकिन गैप वहां भी है क्योंकि वहां भी परीक्षाएं होना, प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं होना और ये सब चीजें बंद है। तो ये चीज लागू तो हमारे वहां के बच्चों पर भी होती है। तो आप अपने कार्यक्रम यानी अपनी पढ़ाई का कार्यक्रम, अपनी जो आपका जो पढ़ाई का तौर तरीका है, उन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाइए। आपको महसूस होगा कि आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि फील कब होता है? जब ये वक्त निकल जाएगा, 4 महीने 5 महीने 6 महीने बीत जाएंगे और ये सब सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी, और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और आपको तब महसूस होगा कि अरे यार उस समय का हम उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उस समय का बेहतर उपयोग कर रहे होंगे। तो अगर आपने पीछे मुड़ के देखा और आपको महसूस हुआ कि मैंने उस समय का बेहतर उपयोग नहीं किया, तो दुख आपको होगा। क्यों? क्योंकि आप जब कंपेयर करोगे कि पिछले 5 महीने में जो हमारे दूसरे साथी थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने यहां से यहां तक पहुंच गए, उनके नॉलेज का लेवल बढ़ गया और हम उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, तो आपको ये फील होगा। तो मेरा ये सोचना है कि आप लोग इन समस्याओं में बहुत ज्यादा परेशान होने के बजाय आप इस पे फोकस करिए कि हमारी पढ़ाई की कमजोरियां कहाँ थी, क्या थी, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमें उस पढ़ाई के दौरान और किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये सब चीजें आपको YouTube के माध्यम से, गूगल या जो अगर आप सर्च करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको मिल सकता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो समय है एक काम में तब्दील हो जाएगा, वर्क में तब्दील हो जाएगा, और आपकी जो ऊर्जा है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो परिवर्तित होने लगेगी एक प्रोडक्टिविटी में, उत्पादक हो जाएगी, यानी आपके अंदर की ऊर्जा
उत्पादक हो, क्योंकि उत्पादन तो है, आप युवा है, आप प्रतिस्पर्धी हैं, आपके अंदर काम करने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है। अब वो जो ऊर्जा आपके अंदर है वो ऊर्जा परिवर्तित हो गई काम करने में। आप इसे एक उदाहरण से भी देख सकते हैं, जैसे हमने एक डैम में बहुत सारा पानी इकट्ठा किया, तो वो पानी को क्या करते हैं, डैम को जो पानी को छोड़ते हैं नीचे की ओर टर्बाइन को चलाते हैं, क्या होता है उससे बिजली पैदा होता है। बस हमारे अंदर भी एक बिजली है और हमने इतनी सारी ऊर्जा को अपने पास एकत्रित करके रखा हुआ है। अब इसकी जरूरत यह है कि हम वो बिजली पैदा करें जिस बिजली का उपयोग आने वाले समय में होने वाला है। या इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो कठिन परिस्थिति है ये एक टेस्टिंग का फेज है, हमारी यही परीक्षा है, ये भी एक परीक्षा है कि हम कैसे धैर्य रखते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखते हैं, अपनी जो चिंताएं हैं उनको कैसे ओवरकम करते हैं और अपने आप को नई परिस्थितियों के लिए कैसे तैयार करते हैं। तो मेरी ये जो बात है इस बात पर अगर आप अमल करेंगे, गौर करेंगे, तो मैंने इसमें ये बताने का प्रयास किया कि देखिए समस्या है लेकिन उस समस्या का हल भी हमारे पास में है, क्योंकि उस वो जो समस्या है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कोई भी नहीं कर सकता, वो वक्त के साथ ही खत्म होगा। तो जब हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते जो समस्या है, तो अपने आप को उसके अनुरूप बना लीजिए जिससे कि हम उस समस्या के दौरान जो हमारा समय, जो समय, क्योंकि समय कीमती है, समय वापस आने वाला नहीं है, उस समय का इस ढंग से हम उपयोग कर सकें कि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें महसूस हो कि हमने बेहतरीन उपयोग अपने समय का किया, हमने बहुत कुछ इस समस्या से सीखा, इस विपत्ति ने हमको जो है परेशान नहीं किया बल्कि हमें सीखने का मौका दिया। और जब इन सब चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आने वाले समय में जो है सकारात्मकता मिलेगी, खुशी मिलेगी, आपका मस्तिष्क जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो जो सकारात्मकता होगी, वो जो ऊर्जा होगी, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाएगा और आसपास का वातावरण आपको स्वयं ही सुखद महसूस होगा। इसीलिए मैं अपने सभी प्यारे दोस्तों, छात्रों से अपील करता हूं कि समय का उपयोग कीजिए, अपने आप को अध्ययन में जितना हो सकता है लगाइए, क्योंकि उनका ये मुख्य काम है। और जो समस्याएं आती हैं, जो चिड़चिड़ाहट होती है या जो एक आपको ऐसा लगता है कि भविष्य क्या है, तो उन भविष्य पर आपका नियंत्रण नहीं है, आपका नियंत्रण सिर्फ इतना है कि जो वक्त या जो समय आपको मिला है उस समय का आप बेहतरीन उपयोग करिए, अध्ययन में उस समय को लगाइए। और जब आपका जब ये समय खत्म होगा तो ये जो आपने ऊर्जा इस्तेमाल की है वो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा और सबसे ज्यादा खुशी आपको देगा। तो इस वक्त में धैर्य रखना, आत्मविश्वास बनाए रखना और सबसे पहली बात अपने जीवन को सर्वोपरि समझ करके उसे कभी भी डिप्रेस ना होने देना, क्योंकि ये वक्त गुजरेगा, ये समाप्त होगा, ये बात पक्का है और अच्छा समय आएगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिए। धन्यवाद।